और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना स्कूल की एग्जाम देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वजह से। क्योंकि तेरे सपनों का संसार सवारे रखना, सुना है आसमान से चांद उतरने वाला है, अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना। Hey guys, good morning, welcome back to KDP Vlogs। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना स्कूल की एग्जाम देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वजह से, करण और जानकी की वजह से। अभी प्लान ये है कि हम लोग जाने वाले हैं स्नेहल और शिवानी के, हमारे फ्रेंड है, उनकी बेबी शावर में। और हमने पहले बात की थी कि हम एंकरिंग करेंगे, मैं और जानकी, तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और इसने भी नहीं की थी। पर अभी बताया गया है कि 3 बुलेट पॉइंट्स बोलने हैं, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करना है, फिर शायरी बोलनी है, थोड़ा उन दोनों के साथ मस्ती करनी है, और फिर वो जो है पूरा बेबी शावर का गेम्स खेलनी है। हाँ, गेम्स खेलनी। तो अभी मैं सारी शायरियाँ तैयार कर रहा था, मतलब एक ही शायरी हमको अच्छी मिली। क्योंकि क्या है, प्यार वाली शायरियाँ तो सारी मस्त होती है, हमें मिल जाती है, पर बेबी शावर का अपने को एक्सपीरियंस है नहीं, और इन लोगों को भी अभी तो नहीं है, टाइम लगेगा इनको तो इस करके ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया हमें। और अभी जा रहे हैं रास्ते में, अमला दीवाना भी पीछे ही है, उसकी गाड़ी ये रही, और अभी केक लेके फिर हम लोग जा रहे हैं उसके बेबी शावर में। और मैं बाद में मिलता हूँ, क्योंकि हम लोग करनी है अभी प्रैक्टिस, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा और वहाँ पे अपने को अपना सीन नहीं करवाना। यहाँ से केक लेनी है। करण जो पहली गेम मुझे खेलनी है उसके बारे में क्या कहोगे आप? फ्यूचर प्लानिंग। अश्लील बातें करता है। पहली गेम जो खेलनी है ना, वो मुझे पता है क्या खेलना है। तेरे सपनों का संसार सवारे रखना, सुना है आसमान से चांद उतरने वाला है, अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी इस प्यारी सी गोद में बाहर को बिछाए रखना, क्योंकि एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। भूख लगी, भूख हमला। हाँ हाँ हाँ, तो आज एक चीज दिखा था, एंकरिंग करने के बाद क्या हाल हुई है। शिवानी की बेबी शावर में खुद बच्चा बन के सो रहा है, ये देखो बच्चा। अरे मम्मी इधर इधर देखो, इधर क्या? नहीं, डराती है सबको। क्या
ए क्या चाहिए वो? देख 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 कैसे देख रही है। हम उससे डराते हैं तो हमें डराने आती है।